75 जनपदों से आए हमारे तमाम पदाधिकारियों को, हमारे तमाम साथियों को बड़े ध्यान से सुना। मैं अवनीश सिंह, प्रांतीय मंत्री, आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रजों, अपने सभी मार्गदर्शकों, मंच के सामने उपस्थित अपने सभी स्नेहिल सहयोगियों, छोटे बड़े भाइयों, सम्मानित शिक्षा मित्र साथियों का अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, एक निवेदन के साथ अपनी बात मैं शुरू करना चाहता हूं। ये पूरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। मैं आपको अपनी बात रखना चाहता हूं आपके सामने। प्रशासन के आदरणीय सहयोगी हैं, हम लोगों के अग्रज हैं, अपनी बात आपके सामने सीधे रखना चाहते हैं। मैं माइक पहुंचा रहा हूं। कल 2-3 दिन से हम लोग जैसे आपसे हम लोग सिफारिश किए, आज भी किए हैं। आप लोग भले हमारे प्रति आपको तकलीफ हो, अलग बात है, हमेशा हम एसीपी साहब के कक्ष में थे कि कोई भी रास्ता निकलेगा तो यहीं से होकर के गुजरता है। आदरणीय शाही जी को, आदरणीय शुक्ला जी को हम लोग भेजे थे। सर का 11 बजे बुलावा था तो 11 बजे हम भेज दिए थे। क्योंकि संगठन है, आप लोग पीड़ित है, परेशान है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका जो मकसद है कहीं बिना हल, बिना बातचीत से हल नहीं होगा। हम स्वागत करते हैं अपने दोनों बड़े साहब का और अपने पार्लियामेंट के एचएसओ साहब को, कि कहीं कहीं हम लोग से नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन छोटे भाई हैं, नाराजगी आपका जायज भी है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अपने देश में, अपने ही देश में एक दूसरे से लड़ जाए, गिर जाए, ये हमारे मकसद में नहीं है। तो हम आदरणीय एसीपी साहब आए हैं, बहुत बहुत सभी लोग हाथ उठा करके अब ताली बजा के स्वागत करो। नहीं, हम बता लीजिए साथियों और मेरी बहनें, हम 3 दिन से आपके साथ हैं लगातार। मैं और हमारे साथी जितने पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारीगण हैं, वो आपके साथ हैं। हमें आज तक आपकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं हुई है और हमने भी कोशिश की है कि हम भी आपकी जितनी मदद कर सकते हैं अपने दायरे के अंदर, जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमें सरकार ने ड्यूटी निभाने की जिम्मेदारी दी हुई है, उसके तहत हम जितनी भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं करें और आगे भी करते रहेंगे। अभी पॉजिटिव बातें चल रही हैं काफी, जो आपके पक्ष में जाती हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज नहीं तो कल आपकी ये बात बहुत जल्दी ही सुनी जाएगी। टाइम की मैं कोई सीमा नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ जानकारियां मिल रही हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव तत्व दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपके जो लीडर्स हैं, 5 आपके जो लीडर्स हैं, सम्मानित लीडर्स हैं, उनको हम लोग माननीय मंत्री जी के पास कोशिश कर रहे हैं कोई समय दिलवाएं, जिससे कि बातें आपकी वहाँ रखी जा सके और कोई आपकी समस्याओं का समाधान वहाँ से निकल सके। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, शांति बनाए रखें। अभी 3 से 4 के बीच में कोशिश की जा रही है कोई टाइम आप लोगों के लिए लिया जाए और आपकी बातें आगे रखी जाए। मैं केवल अपने इतनी ही बात रह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम दिल्ली पुलिस प्रशासन का स्वागत करते हैं।